बड़ी खबर दतिया से मिल रही है। शासकीय पीजी कॉलेज में शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ की गई छेड़छाड़। दिनांक 31 मार्च को पीजी कॉलेज के छात्र बॉटनी विभाग से अपना प्रैक्टिकल देकर बाहर आ रही थी, तभी बॉटनी विभाग में पदस्थ शिक्षक ब्रजेश जाटव के द्वारा छात्रा से नमस्ते की गई और शिक्षक ने छात्रा से कहा कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें और कहा कि हमारे घर पर आइए और छेड़छाड़ करने लगे। इसी को लेकर छात्रा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर शिक्षक ब्रजेश जाटव के खिलाफ कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि इस मामले को लेकर अभी हम ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमने 5 लोगों की कमेटी जो शासन के नियम अनुसार होती है उसको बनाई है जिससे इस पर जांच हो सके। जांच होने के उपरांत हम कोई भी फैसला ले पाएंगे। छात्रा ने दतिया कोतवाली थाना क्षेत्र में आवेदन दिया। कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर विवेचना में लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। क्या कारण रहा आप लोगों ने प्रिंसिपल को यह ज्ञापन दिया है बताएं? कल 31 तारीख को एक छात्रा पीजी कॉलेज 31 तारीख को एक पीजी कॉलेज की छात्रा बॉटनी विभाग में अपना प्रैक्टिकल लेकर लौट रही थी और बॉटनी विभाग में पदस्थ जो ब्रजेश जाटव सर हैं उनने उस छात्रा से पहले उसने नमस्ते किया तो उसने क्या बोला सीधा ब्रजेश जाटव सर ने कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो और उससे बोलने लगा कि हमारे घर पर आओ तुम्हें हम लाइफ सेट कर देंगे और मतलब उसको इस तरीके से बहकाया धमकाया कि मतलब छेड़छाड़ जैसा लगा उसको। ये मजाक होता है कोई सर का कहना ये ठीक है या गलत है? उस लड़की ने अभी आरोप लगाया सर के ऊपर तो प्रिंसिपल सर को भी अभी आज ज्ञापन के माध्यम से बताया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनने हमें 3 दिन की मोहलत दी है कि उनको कार्रवाई बॉटनी विभाग में प्रशासनिक पद पर जो अभी कार्यरत हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा और उनकी जाँच कराई जाएगी। भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो ज्ञापन दिया है ये छेड़छाड़ का मामला बता रहे हैं, क्या है मामला पूरा बताएं? अभी एक व्यक्ति ने हमको आवेदन दिया है और अभी हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जांच समिति गठित की है। शासन के निर्देश जैसे होते हैं उसके अनुसार ही हमने एक जांच समिति गठित कर अविलंब इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उनको निर्देश दिए।